असम के 29 जिलों में बाढ़ से हाहाकार, 23 लाख लोगों की जिंदगी पर पड़ा असर, अब तक 70 लोगों की बाढ़ से हो चुकी है मौत। मणिपुर के पूर्वी इंफाल में बाढ़ प्रभावित लोगों ने सरकार से लगाई गुहार, दुर्दशा पर ध्यान देने की अपील की। हल्द्वानी में तेज बारिश का कहर, लगातार बारिश से खेतों और रिहायशी इलाकों में भरा पानी, मोटर लगाकर पानी को नहर में डालने की कोशिश। उत्तराखंड के नैनीताल में नदी किनारे फंसे 24 लोग, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में आपदा से भारी तबाही, भूस्खलन की चपेट में आया लिंडूर गांव, सैकड़ों एकड़ भूमि पर बने घर उजड़े। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में आज भारी बारिश का अलर्ट, प्रशासन ने 1 से 12 क्लास के बच्चों के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की। नेपाल से 4,04,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से उफान पर पहुंचा नारायणी नदी का जलस्तर, घर, स्कूल और अस्पताल सभी डूबे। बिहार के सहरसा कोसी नदी का तांडव शुरू, नदी का पानी पास के गांव में घुसा, नाव के जरिए हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर। ठाणे में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, भातसा नदी के किनारे फार्म हाउस में 150 पर्यटक फंसे। मुंबई में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, कई इलाकों में भरा पानी, किंग सर्कल और परेल में सैकड़ों सड़कों पर पानी भरने से बड़ी परेशानी। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश से उस गांव के खेत जलमग्न, 16 लोग फंसे, सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। गोवा में भारी बारिश का अलर्ट, पूरे प्रदेश के स्कूल आज बंद रखने के आदेश, कल पाली इलाके में पानी में फंसे 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का कहर, कोलकाता में कई इलाकों में भरा पानी, शहर की कई सड़कें जलमग्न, लोगों को हो रही परेशानियां। आज से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन के आमंत्रण पर 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आज सुबह 11 बजे दिल्ली से मॉस्को के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री, पुतिन के साथ प्राइवेट डिनर करेंगे पीएम। पीएम मोदी कल मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों को करेंगे संबोधित, वहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा हम दोनों देशों का इतिहास मजबूत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा यात्रा के दौरान व्यापार के मुद्दे पर सीधी बातचीत करने का शानदार अवसर। पीएम मोदी के दौरे को लेकर मॉस्को में विशेष तैयारियां, रशिया में रहने वाली आर्टिस्ट पीएम मोदी के स्वागत में नृत्य करेंगी। भारतीय राजदूत विनय कुमार ने भारत रूस संबंध और मजबूत होने की जताई उम्मीद, रक्षा में सहयोग, व्यापार सहित कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। इंडियन बिजनेस अलायंस और नेशनल कल्चर सेंटर के अध्यक्ष सैमी मनोज कोटवानी ने कहा पीएम मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर आ रहे हैं, ये गर्व की बात। पीएम मोदी की रूस यात्रा को लेकर मॉस्को में रहने वाले भारतीय छात्रों में उत्साह, कहा पीएम की ये यात्रा दोनों देशों को और करीब लाएगी। संजय राउत ने पीएम मोदी के रूस दौरे पर बोला हमला, कहा पंडित नेहरू और इंदिरा जी की पॉलिसी की वजह से रूस हमारा सबसे पुराना मित्र। आज राहुल गांधी का मणिपुर दौरा, जिरीबाम और चूरचांदपुर जाकर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, फिर इम्फाल में राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। मणिपुर दौरे से पहले राहुल गांधी जाएंगे असम, सिलचर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, राहत शिविरों का जायजा लेंगे। संजय राउत का पीएम मोदी पर तंज, बोले मणिपुर के लोग पीएम का इंतजार ही करते रह गए, आखिर वहां राहुल गांधी ही जा रहे। मणिपुर के बाद कल रायबरेली जाएंगे राहुल गांधी, चुनाव जीतने के बाद दूसरा और नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल का पहला रायबरेली दौरा। गिरिराज सिंह ने कहा देश में शरिया कानून लाने की चल रही साजिश, सनातन को खत्म करने का हो रहा प्रयास, राहुल गांधी है जिम्मेदार। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का राहुल गांधी पर विवादित बयान, बोले चाणक्य ने सही कहा था, विदेशी महिला के पेट से पैदा बेटा देश को भला नहीं कर सकता। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा दावा, बोले पीएम मोदी तो बन गए हैं लेकिन बदलाव हो रहा, मोदी और अमित शाह ज्यादा दिन तक दिल्ली में नहीं रहेंगे। झारखंड में आज हेमंत सरकार की शक्ति परीक्षा, फ्लोर टेस्ट में साबित करना होगा बहुमत, आज ही हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 76 से 39 मतों की जरूरत, महागठबंधन के पास फिलहाल बहुमत से बहुत ज्यादा वोट। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य बोले फ्लोर टेस्ट में सिर्फ औपचारिकता करनी है पूरी, हमारे पास है बहुमत से ज्यादा 45 विधायकों का समर्थन। रांची में विशेष सत्र को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, विश्वास प्रस्ताव के दौरान बीजेपी रणनीति पर मंथन हुआ।
मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव के मंत्रिमंडल का आज होगा विस्तार। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत बन सकते हैं मंत्री। यूपी में बीजेपी की हार पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का मंथन। आउटसोर्सिंग में आरक्षण न मिलने से ओबीसी और दलितों में आरक्षण खत्म होने का संदेश गया। दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी का संकल्प, सरकार बनाने का संकल्प, राहुल को गुजरात का ख्वाब न देखने की सलाह। 7 राज्यों की 13 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज थम जाएगा प्रचार। इन सीटों पर 10 जुलाई को होगा मतदान, 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। बिहार की 1, पश्चिम बंगाल की 4, पंजाब, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की 1-1, उत्तराखंड की 2, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव होंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर सीएम नायब सिंह का कांग्रेस पर हमला, बोले विधानसभा चुनाव में 1 सीट नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। चेन्नई में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़, मायावती ने चेन्नई पहुंचकर आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु में आर्मस्ट्रांग की हत्या के बहाने बीजेपी ने स्टालिन सरकार को घेरा, कहा तमिलनाडु में राजनीतिक हत्याएं बढ़ी, सीबीआई जांच की मांग। अहमदाबाद में गृहमंत्री अमित शाह ने आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर हमला, बोले लोगों ने हमें वोट इसलिए दिया क्योंकि उद्धव ने बाला साहेब के विचारों को त्याग दिया। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने किसानों से मुलाकात की, फसल मुआवजा कर्ज माफी समेत कई मुद्दों पर बातचीत की, मदद का भरोसा दिया। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने शिक्षकों के ट्रांसफर पर लगाई रोक, 5,000 शिक्षकों के ट्रांसफर का जारी हुआ था आदेश। 5,000 शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक के बाद मंत्री आतिशी ने जाहिर की खुशी, बोली स्कूलों में अच्छी पढ़ाई के लिए आगे जारी रहेगी लड़ाई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा आरोप, बोले शिक्षकों को इवेंट मैनेजर की तरह इस्तेमाल कर रही दिल्ली सरकार, एलजी के फैसले का स्वागत किया। वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात को लेकर केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, केजरीवाल ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी। केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालेवाल के साथ कथित मारपीट मामले में सुनवाई आज, केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार ने डाली है जमानत की अर्जी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत पर राजधानी कोर्ट में होगी सुनवाई, शराब घोटाला केस में लंबे समय से जेल में है सत्येंद्र। अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर एफआईआर दर्ज, बीएनएस की धारा 79 के तहत दर्ज हुआ मामला। हाथरस कांड में भोले बाबा के वकील एपी सिंह का बड़ा दावा, सभा में साजिश के तहत 12 से 15 लोग लेकर आए थे जहरीला स्प्रे। हाथरस की घटना की जांच में जुटा न्यायिक आयोग, घटनास्थल का निरीक्षण किया, कहा जिसे भी जरूरत होगी उससे पूछताछ करेंगे। हाथरस कांड से जुड़ा एक और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल, ऑडियो में सेवादार ये कहते सुना गया कि बाबा ने पहले ही कहा था कि प्रलय आएगी। मुरादाबाद में भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवार वालों की मदद के लिए आगे आया जमीयत उलमा हिंद, पीड़ित परिवारों को 10,000, घायलों को 5,000 राशि देने का वादा। हाथरस कांड के आरोपियों पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, जांच आयोग की रिपोर्ट में जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। हाथरस कांड पर राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, मृतकों के परिवार को मुआवजा बढ़ाने समेत दोषियों के लिए कठोर सजा की मांग। मुंबई वर्ली हिट एंड रन केस में फरार आरोपी मिहर शाह के पिता राजेश शाह गिरफ्तार, कार में मौजूद दूसरा शख्स भी गिरफ्तार, आज कोर्ट में पेश। मुंबई के बांद्रा इलाके से जब्त की गई बीएमडब्ल्यू कार फोरेंसिक टीम ने जांच कर रही है, कार में मौजूद दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, मुख्य आरोपी फरार। वर्ली हिट एंड रन मामले पर संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे के लोग ऐसे ही फरार हो जाएंगे, एक दिन एकनाथ शिंदे भी फरार होंगे। एनसीपी नेता जयंत पाटिल का वर्ली हिट एंड रन केस पर बयान, कहा शिंदे गुट के नेता के बेटे की गाड़ी से दुर्घटना हुई, कठोर पॉलिसी लाए सरकार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में मॉब लिंचिंग की घटना, भांगड़ थाने में फूलबाड़ी में चोर समझकर भीड़ ने पिटाई की, शख्स ने तोड़ा दम। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 15 से 20 कर्मचारी घायल, बॉयलर में विस्फोट हुआ था। कोलकाता के पश्चिमी चौबागा इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग, जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल के से कूदा कर्मचारी, गंभीर रूप से घायल। यूपी के गोरखपुर कैंट में रहने वाले मनोचिकित्सक की बेटी ने छत से कूदकर आत्महत्या की, वाराणसी होटल में पति की खुदकुशी की मिली थी खबर।
गुजरात के डांग में बस पलटने से दो की मौत, 64 से ज्यादा लोग हादसे में बताए जा रहे घायल, अस्पताल में भर्ती करवाया। लखनऊ में सड़क धंसने का वीडियो कैमरे में कैद, विकास नगर में फिर धंसी सड़क, 15 से 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरी सड़क। बिहार में 15 दिन में टूटे 12 पुल, जल संसाधन विभाग की 11 और ग्रामीण कार्य विभाग के 11 इंजीनियर्स पर गिरी गाज। तेजस्वी यादव का बीजेपी जेडीयू सरकार पर हमला तेज, कहा डबल इंजन में पुल, चल रहे भ्रष्टाचार की भेंट, पेपर लीक से परेशान है छात्र।